जो कि 6 फाइनलिस्ट है, सब लोग ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है हमारा जैसे म्यूजिकल सीरीज, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इन तीनों को साइन किया है. तो म्यूजिकल सीरीज में पवनदीप एंड अरुणिता इज देयर, एंड आफ्टर दैट वी आर डूइंग द एल्बम विद 3 ऑफ देम, उसमें सन्मुख है, पवनदीप है और अरुणिता है. तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से किया है, और इनका टैलेंट तो है ही, बहुत अच्छा टैलेंट है. और मैं तो कोई जज हूँ नहीं, ना जनता ने इनको चुना है, लेकिन जो मुझे दिखा एक महीने पहले कि हमको इनको साइन करना चाहिए द ऑक्टोपस, लाइक वी हैव टू साइन देम, दिस इज़ अ रॉ टैलेंट. जब भी मुझे नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है या कौन रनर अप होगा, मुझे नहीं पता था ये कुछ, लेकिन मैंने जब ही डिसाइड कर दिया था कि हम लोगों को ऐसा करना है, इसीलिए हम लोगों ने जब भी 20 गानों का डील हम लोगों ने साइन कर दिया था. सो आई एम वेरी हैप्पी दिस 3 आर विथ अस एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. और मैं कहना चाहूँगा सब लोगों को, जो इनका टैलेंट है, जो पैंडेमिक में जो लोग गुजर रहे थे, जो पीपल हैव द नेगेटिविटी एंड एवरीथिंग, पीपल वर जस्ट वॉचिंग इंडियन आइडल एंड लुकिंग एट दैट टैलेंट एंड यू नो दे वर एंजॉइंग एंड यू नो, वो जो पीरियड हम लोग का जो गुजरा है, हम लोगों ने पूरा इंडियन आइडल को इन्जॉय किया है और इन लोग ने जो सक्सेस बनाया है, तो मुझे लगता है ये इनको बहुत श्रेय जाता है, और पूरी टीम को जो इंडियन आइडल की पूरी टीम है उनको भी ये पूरा सक्सेस का ये जाता है. तो जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है और कहीं ना कहीं पवनदीप फैंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपको बाकी सारे 20 सॉन्ग्स में देखने के लिए, और आप जिस दिन इंडियन आइडल था 15 अगस्त को आप पहले भी ट्रेंड कर रहे थे, उसके अगले दिन भी ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर, तो क्या कहना है आपको? यही कहूँगा कि पहले तो जनता ने इतना भरोसा दिखाया और मुझे विनर बनाया, बट वहाँ विनर के लिए सभी लायक थे बहुत सारे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस होगा, बहुत दूर दूर तक नहीं सोचा था, मैंने सोचा कोई पोजीशन आएगी. तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला और इतना सम्मान मिला, इतना सहयोग मिला, और आज आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आज सर से मुलाकात हुई, ये सब इंडियन आइडल की वजह से हो पाया. सर ने जो गाने दिए हैं वो बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे. और क्या था सवाल थोड़ा? ट्विटर पे आप ट्रेंड हुए थे कंटिन्यूअसली, मैं वो तो मैं देखी, मैं वो तो देखता ही नहीं हूँ. मुझे लगा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ कंटिन्यू, मुझे पता नहीं चला कि मैं हंस नहीं रहा हूँ, बट ये भी था बात की और लोग भी थे ना मेरे साथ में, और 5 लोग भी थे, तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ट्रॉफी मिल गया इतने टाइम से साथ में, तो इतनी सी बात थी. तो मैं ज़्यादा वैसे भी उछल कूद मचाता नहीं हूँ, बट उस टाइम पे और कम हो गया. अरुणिता आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको शो खत्म होने से पहले 20 प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं और काफ़ी पाइपलाइन है, सो व्हाट आप? पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है मेरे साथ और जनता का इतना प्यार मिलने वाला है. मैंने सोचा नहीं था कि जनता इतना प्यार करने वाले हैं और इतना प्यार कर सकते हैं, मतलब इतना प्यार मुझे मिलने वाला है. तो सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो ट्रॉफी है मुझे देने के लिए और इसका लायक मुझे समझने के लिए, सबको बहुत धन्यवाद. और शो के अंदर रहते रहते ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए, हिमेश सर ने हमसे गवाया, तो उनको बहुत सारा धन्यवाद. और सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में गा पाऊँगी और लोग पसंद करेंगे, तो उसके बाद ही सर ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, तो सर को बहुत सारा धन्यवाद और बहुत थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. जो आपसे पूछ रहा है कि आपने इनको 1 महीने पहले चूज किया और इंडियन आइडल कंटेस्टेंट के बाद आपने एक और कैंपेन भी शूट किया था, या कैसे आपने इनको चूज किया और 20 सॉन्ग्स कैसे हैं? नहीं, मुझे लगा ही था कि हम लोग ये जो टैलेंट है, और मुझे लगा ही था कि लोग आगे बढ़ने ही वाले हैं, और इनका परफॉर्मेंस देखने के बाद और 1-to-1 जब भी हम लोग ने रिहर्सल्स भी किया था, जो रिकॉर्डिंग की थी वो गानों के साथ में जो हम लोग ने शूट किया था, तब मुझे समझ में आ गया था कि इन लोगों के साथ ही बनाना चाहिए, जो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो इन लोग ने एक बार हम लोगों को गाना भी सुनाया था, जो हम लोग ने मैंने बोला था इनको एक गाना सुनाने के लिए, तो उन्होंने गाना भी सुनाया था, तो वो गाना सुनने के बाद ही हम लोग ने बोला कि हम लोग को इनके साथ में जाना चाहिए करके. वो कौन सा गाना था? वो गाना है सुन रहा हूँ ना, सुन रहा हूँ ना मैं, सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू,
Yeah, they can sing the line. अपने करम की करता है यारा मुझको हीरा दे दे कसमें देवा दे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की कर दाए कर दे इधर भी तो निगाहें सुन रहा है ना तू सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं थैंक यू शनमुखा इज अ रॉक स्टार आई शूट से हम लोग ने जब भी शूट किया था तो ये एकदम रिहर्सल्स के वक्त एकदम शांत होके आई थी लेकिन हम लोग जब शूट कर रहे थे इन द मॉनिटर आई कुड सी द टैलेंट एंड द वे शी वॉज परफॉर्मिंग तो एक रॉकस्टार का जो स्टाइल होता है जो गाने का और जो परफॉर्म करने का वो शनमुखा में पूरा है और वो जैसा स्टेज पे आग लगा देंगी मुझे ऐसा लगता है अगर कॉन्सर्ट होगा तो मुझे ये फील हुआ और जो उसने परफॉर्म करती है वो सो आई वांटेड देर इज़ वेरी रेयर हु कैन डू द रैप इन द गर्ल सो आई वॉन्टेड हर टू डू द रैप थिंग लाइक गर्ल रैपर इज़ वेरी वेरी लेस इन द इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री सो एक रैप मुझे सोचा था कि इसको एक रैप दिया जाए और ये जो लुक भी दिया गया है और हम लोगों ने ये क्रिएट किया कि इसको रैप दिया जाए रॉकस्टार के जो गाने हैं और इसके जो गाने भी पूरे में बहुत अच्छे हैं रॉकस्टार टाइप है बिकॉज ऑफ दैट वी हैव फैंड द शनमुखा How do you feel about this contract? 20 songs का contract है। I feel so blessed and जब पहली बार सर के साथ काम किया था तो मुझे बहुत ही मजा आया और अभी वापस सर के साथ यू नो वापस doing this thing is amazing. I feel so blessed and thank you so much sir for giving this opportunity and I would like to thank the whole team for making this amazing. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप तीनों से मैं ड्रेसिंग के बारे में जानना चाहूँगी अरुणिता हमने हमेशा आपको इंडियन वेयर में देखा है जो प्रिटी इवन दिस इज आल्सो न्यू अवतार है नंदी बाकी टोपी को मैं भी मस कर रही हूँ और शनमुखा ये तो मुझे सीरियसली अफ्रीकन स्टाइल लग रहा है आप तीनों के रिएक्शन जान लें सच में मैंने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो सर ने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा अलग कुछ ट्राई करना चाहते हाँ क्योंकि ये गाना हम लोग हिमाचल और कश्मीर में शूट कर रहे हैं तो हम लोगों को इनको विंटर वेयर देना था सो वो विंटर का गाना भी है तो वो हिसाब से हम लोग ने ये स्टाइल किया इसको अरुणिता को और इनको एक रैप स्टार की तरह हम लोग ने इसको स्टाइल किया है सो मुझे लगता है इसको मुझे बहुत सारे शोज मिल जाएंगे और उसके लिए हम लोग मैनेज करेंगे ऑक्टोपस तो ये हम लोग को रख सकती है तो मैनेजमेंट टीम एंड ऑल हाँ हम लोग जाने वाले हैं उत्तराखंड जहाँ से पवनदीप है हम लोग वहाँ शूट करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट के अंदर है स्टोरी के अंदर वो है कि ये हिमाचल से है करके वो सब कुछ है हम लोग स्नो में शूट करने वाले हैं जैसे कि इट्स इन द स्नो बर्फीले पहाड़ों में वो गाने हैं जो आपने गाना सुना था करीब आके तेरे दैट सॉन्ग वी गोना बी शूट इन द स्नो सो दैट इज़ द रीज़न द लुक इज़ देयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम लोग ने ये लुक डिसाइड किया जहाँ से हम लोग आते हैं जैसे मैं चंपावत से हूँ उत्तराखंड चंपावत से तो वहाँ संसाधनों की कमी होती है आप कभी आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारी
संसाधनों की कमी का मतलब सब कुछ मिलता है, खाने पीने की, ये सब रोड हैं, अच्छा है, सब कुछ है। अब जैसे किसी को स्पोर्ट्स में आगे आना है तो वैसा स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब चीज़ें, और किसी को म्यूज़िक में आना है तो एक म्यूज़िक का बहुत बढ़िया स्कूल और अच्छे संसाधन वहाँ पे, अच्छे तबला ढोलक, अच्छा गिटार और अच्छे टीचर्स अगर हों तो वहाँ से भी बहुत सारा टैलेंट आ सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, डांसर्स हैं बहुत अच्छे, फुटबॉलर हैं बहुत अच्छे। तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए वहाँ पे भी, एक स्कूल हो म्यूज़िक का, मतलब मैं तो म्यूज़िक का स्कूल खोलना ही चाहूँगा बिल्कुल, तो म्यूज़िक का स्कूल हो जहाँ पे कि बच्चे सीखें और उनका उत्साह बढ़े, उनका हौसला बढ़े कि हाँ यार कि हम भी कर सकते हैं, और तो उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ इतनी दूर से, हम इतनी दूर ऐसे माया नगरी बम्बई में, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे एक से एक स्टार्स लोग हैं, तो इतने गाँव से इतनी बड़ी सोच रखना एक अपने आप में वो, तो कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बोलते हैं घर वाले नहीं भेजते हैं या कुछ होता है एक, लेकिन ऐसा मौका मिलना चाहिए कि वहाँ से वो लोग सीखें और उनको कॉन्फिडेंस आए एक, ताकि वो बड़े बड़े मंचों पर परफॉर्म करें और अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैडम आप क्या कर रहे हैं, आप जहाँ से आती हैं हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अपनी धरती है, अपनी मिट्टी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला अगर आपको, तो वो क्या कुछ होगा जो कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? मैं तो मुझे अपना पता नहीं, बट मैं म्यूजिक करना चाहती हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग म्यूजिक करना चाहते हैं बट फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सब कुछ नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो लोग म्यूजिक में सक्सेस या आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन सबको आई वांट टू सपोर्ट देम और उनको एक अच्छा गाइडेंस देना है, देन जस्ट बिलीव इन देमसेल्व्स, और मैंने मेरा बचपन से ये मतलब ड्रीम रहा है कि अगर मैंने कुछ किया ज़िंदगी में तो मतलब अगर मेरे पास उतना कुछ रहा तो मैं बिल्कुल ये करना चाहूँगी कि मैंने देखा है मेरे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे रास्ते में जब जाते हैं तब देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही रास्ते में गिरे पड़े हैं और ऐसे कहाँ से भी उठा के कुछ भी खा रहे हैं और ऐसे मतलब बहुत खराब हालत देखा है मैंने, तो मुझे वो देख के बचपन से मुझे बहुत रोना आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा भी है और हम कितने अच्छे से रहते हैं। तो मतलब मेरा ड्रीम रहा है कि अगर मेरे पास इतना कुछ रहा, भगवान ने अगर कृपा किया, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए, क्योंकि सबका एक ड्रीम रहता है, सबका सपना रहता है कि ये हम लोग, जैसे कि आप लोग देखा, हम लोग ने दो गाने तो एक टीजर छोड़ ही दिया है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट, और बहुत ही जल्दी मतलब कुछ महीनों के अंदर ही हम लोग एक्चुअली लोग बहुत थक चुके हैं 10 महीने से, तो सब लोग काम कर रहे हैं, सो शायद ये कोलकाता आ जाएंगी, ये भी जाना चाहता है अपने पहाड़ियों में, और ये भी जाना चाहती है अपने होम टाउन, सो ये लोग जाने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग गाने बनाएंगे और फिर से हम लोग उसको शूट करेंगे। और जैसे कि आपने पूछा कभी तक जब ये बर्फ़ गिरेगा कश्मीर के अंदर, तो हम लोग है ना, आप जब बर्फ़ दिख जाएगा तो आप, हम लोग उधर दिख जाएंगे आप लोगों को, कि जब बर्फ़ होगा तो हम लोग जब भी जाएंगे, जो कि सितंबर अक्टूबर में होता है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट स्नो इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सॉन्ग, वो गाने के लिए वो रिक्वायर्ड है, और जिसने रैप किया है वो हम लोग शायद महीने भर के अंदर ही शूट कर ले, वो हम लोग इधर ही शूट करने वाले, देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट दैट वी कैन शूट इट, बट इन लोग को मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ में, और जो इनके दोस्त लोग हैं के, और ये ट्रॉफी सबको दिखाए, अपने पहाड़ियों में घूमें अपने सबको साथ में, सब लोग अपना अपना इन्जॉय करें, फिर उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर काम चालू करें। थोड़ी 10-15 दिन की छुट्टी, 10 महीने से काम कर रहे, 10 दिन छुट्टी बनती है मेरे हिसाब से लोग। पवन जी, जैसे भी आपने कहा कि आप सब एक फैमिली की तरह रहे हैं, तो ऐसा कोई किस्सा है जो बैक ऑफ सीन हुआ हो और आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि हम सब ऐसे मस्ती करते थे, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज, क्योंकि
नहीं नहीं बिल्कुल होगा, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग एक ही बिल्डिंग में घर लेने वाले हैं, 6-7 लोग, और वहाँ पे एक स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं, तो साथ में एक ही बिल्डिंग में 3-4 घर हों तो कहीं पे भी जाके हम लोग अपना जैम वगैरह अपना साथ में, क्योंकि ये ऐसे इतने धुरंधर कलाकार बाद में नहीं मिलने वाले मेरे को, तो अभी से मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इतने गुणी कलाकार, इतने सब व्यवहार के अच्छे, तो एक कोई एक साथ घर ले रहे हैं। और मैं मस्ती के बारे में बताऊँ तो हमारे दानिश भाई और सम्यक, ये लोग ऐसे थे कि हंसाते रहते थे हमें, पीछे हम लोग खाना खाते थे होटल में नीचे, तो दानिश भाई सबकी एक्टिंग करते थे, मिमिक्री करते थे, और मैं तो और सम्यक बहुत अच्छा एक्टिंग करता था वो। तो एक इतना लंबा सफ़र है 10 महीने का, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपको, कैसे इतना मतलब एक साल का रूम एग्रीमेंट मेरा हो गया था, समझ लीजिए मैं एक ही कमरे में पढ़ा हूँ 10 महीने से, तो बहुत अच्छा उस कमरे से लगाव हो जाना, और उस होटल से लगाव हो जाना, उस सेट से लगाव होना, और उस पूरी टीम से लगाव होना, सब रो रहे थे। फाइनल के दिन तो ऐसा माहौल था कि एक खुशी थी कि फिनाले है, और एक दुख था बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, इसके बाद अब मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे, अब डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे मिलना है सब लोग एक जगह, अभी तक सब लोग एक साथ रह रहे थे, तो दुख हुआ ज़्यादा कि हम लोग बिछड़ रहे थे, लेकिन हम सभी लोग साथ में हमें। हर चीज़ नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जो घर से तैयारी करके आते हैं वो बहुत अलग होती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से करते हैं, और जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक से एक दिग्गज लोग हैं, हमारे म्यूजिशियंस इतने दिग्गज होते हैं कि वो इंडिया के बेस्ट हैं, हमारे जजेस इतने लेजेंड लोग बैठे हैं, हमारे जो कोचेज़ होते हैं वो भी बेस्ट हैं, इसलिए इतना बड़ा इतने बड़े शो में वो लोग कोचेज हैं, तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी बारीकियाँ, वो चीज़ें सीखते हैं, और हमें कैसे रहना चाहिए वो सीखते हैं, हमें टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, सुबह उठ के रियाज़ करना चाहिए वो पता चलता है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा है, और हमारे कोचेज़ और जजेस कैमरे के पीछे भी हमें बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन देते हैं, और एक अपनी लाइफ के बारे में अपने एक दो किस्से ऐसे बताते हैं जिससे कि बहुत एक बूस्ट मिलता है कि हम भी कर सकते हैं इस तरीके का, और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। मेरा एक दिन एक सवाल था HR सर से, सर आपने ये सब कैसे किया इतना म्यूज़िक, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि मेरा इस तरीके से है मैं गाना, और उनके साथ जो गाना रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, हम दोनों गए थे, छोटू ने भी गाना रिकॉर्ड किया है, तो लगभग सर ने सभी को गाना दिया है, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, बचपन में नमस्ते लंदन देखता था मैं मूवी, तो वो सब गाने सुनता था, तो अभी बचपन में जो सोची चीज़ HR सर का गाना उनके स्टूडियो में जाके गा रहा हूँ, तो पहले ये तो बहुत बड़ा सपना, फिर उनका काम करने का तरीका, उनका रिकॉर्डिंग करने का तरीका, वो बहुत कमाल, और हर जगह से सीखने को ही मिला, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं इंडियन आइडल में आया, और थैंक यू कहना चाहूँगा इंडियन आइडल को जिन्होंने इतना बढ़िया मंच दिया है सभी कलाकारों को, और हम जैसे छोटे गांव से आए हुए कलाकार आगे बढ़ते हैं, आप लोगों तक पहुंचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो आप क्या कहना चाहेंगे? सो इंडियन आइडल में मैंने बहुत कुछ Yeah, so I hope they, I think people will love this look, but I hope first they should love the look to carry the whole thing in front of the audience. So, जैसे हम लोगों ने पवनदीप के साथ कल कॉस्ट्यूम ट्रायल और बालों का जो किया था, तो इसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमेशा टोपी में टोपी है, इनकी एक सिग्नेचर है, तो लेकिन ये गाने में ये टोपी नहीं है, तो हम लोगों ने इसका एक अलग लुक बनाया है, ये मैडम को हम लोग ने एकदम अलग ही चेंज कर दिया, और मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट में इनको टोपी नहीं है तो मैंने इनके सर पे पहना दी बट टोपी होना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कुछ लक फैक्टर है, और बहुत अच्छी सिग्नेचर है इनकी टोपी, एंड आई लव द ही कैरीज द लुक वेरी वेल एंड ऑल, बट अकॉर्डिंग टू दिस सॉन्ग दिस लुक इज़ देयर,
सो आई थिंक इट्स गोइंग गुड एक्चुअली. अभी आप लोग बताएंगे कि कैसा लगे ना, और जो ऑडियंस है, जो इनके फैंस है, जो देखने वाले हैं, वो उनके ऊपर है कैसा लगेगा ये. या हूँ तेरा ना, अच्छा हूँ तेरा ना, या ठीक है, ठीक है. उनके लिए आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है. ये 18 साल की लड़की है, ये 24 साल का लड़का है, और ये भी 18 साल की है, तो इतना भारी भरकम सवाल मैं खुद चाहता हूँ आप इनसे मत कीजिए. ये वो बहुत प्रेशर वाला सवाल है. सो आई थिंक यू नो, हाँ, इसको जवाब क्या देना है और क्या नहीं देना है, ये इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाएगा ना बाद में, आपको इस सवाल जवाब रखना इसका. या रिगार्डिंग या सॉन्ग ओनली विल स्पीक अबाउट दैट. जस्ट हाँ, ये जो गाना है लास्ट है रैप को, इसका भी रैप वाला. हाँ, मैं ये गाने के बारे में और एक चीज बोलना चाहूंगा. ये पवनदीप है, ये गाना गा रहा है अरुणिता के लिए, और ये इसको छेड़ रही है रैप के थ्रू, और इसी ये गाने का कॉन्सेप्ट है ये करके. तो देव दोनों सीख लाइव है इसका, समझ ही नहीं रहा. लाइट्स कैमरा एक्शन.
हो गया भाई आपका मिस था सिर्फ ऐसा मेरा भी लाइव है हमारा काम ही क्या पीछे रहा भाई तेरा आवाज बहुत छोटा है थोड़ा जोर से बोल पाछड़ लेना थोड़ा जूम कर रहे भाई बर्थडे ऐसा मत कर हैप्पी बर्थडे यहाँ पे सब लोग एक नजर मूड प्लीज